हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नेटिंग। आज देखिएगा, आप लोगों के लिए एक नए अंदाज का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ, और इसे आप बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बिल्कुल लेस की तरह दिखाई देता है और बहुत आसान है इसको बनाना। इसको आप मल्टी कलर में बना सकते हैं, यानी कि आपके पास बचे हुए ऊन है तो आप इस तरह से इस पैटर्न को बना सकते हैं, या फिर आप इसे दो कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। देखिएगा, मैं आपको नजदीक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, और ये इसका राइट साइड है, ये देखिएगा इसका रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पर मैंने हर बार कलर को कट किया है, क्योंकि मैं यहाँ हर बार कलर को चेंज कर रही हूँ। अब मैं आपको दो कलर में भी बताऊंगी इसको किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें देखिए 2 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं, और 1 फंदा इसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को बनाएं, 2 के मल्टीपल से फंदे डालें, 1 फंदा इसमें एक्स्ट्रा रखें, तो आपका पैटर्न बिल्कुल फिट आ जाएगा। और देखिएगा, 4 सिलाइयां हमारी यहाँ पर देखिए ग्रे से बनी है, और 2 सिलाई हमने इससे बनाई है, तो यानी कि 6 सिलाई का हमारा पैटर्न है। 6 सिलाई में कंप्लीट होगा, और हमारा पैटर्न यहाँ पर रॉन्ग साइड से बनेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रॉन्ग साइड से हम कलर को चेंज करते हुए पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, तो आपको फंदे भी उस हिसाब से डाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम रॉन्ग साइड से इसमें फंदे डालेंगे। रॉन्ग साइड से फंदे डालने के लिए देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमें फंदे उल्टे हाथ से डालने हैं। देखिएगा इस तरह से, यानी लेफ्ट हैंड से हमें फंदे डालने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 फंदे मैंने यहाँ पर देखिएगा डाल लिए हैं। अब यहाँ से नॉट लगा देंगे, और यहाँ से मैं इसे फालतू धागे को कट कर दूंगी। देखिएगा इस तरह से, अब देखिएगा क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, उल्टी तरफ से हमने फंदे डाले हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। ये देखिएगा, पूरी सिलाई को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हमारे डिजाइन की फर्स्ट रॉ है, और ये रॉन्ग साइड से बनेगी, यानी कि उल्टी तरफ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिएगा, देखिएगा हमने यहाँ पर पूरी सिलाई है, देखिएगा सीधी सीधी बना ली है। ये देखिएगा, अब ये वाली सिलाई भी देखिएगा, सीधी तरफ से हम सीधी सीधी बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, हमारे पैटर्न की ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा यहाँ से भी हमने सीधी बनाई सिलाई, यहाँ से भी सीधी बनाई। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। यहाँ से देखिएगा, मैं इसमें पिंक कलर लगा रही हूँ उल्टी तरफ से। ये देखिएगा, यहाँ से नॉट लगा के धागे को पक्का कर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, पूरी सिलाई को हम पिंक कलर के साथ उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, यहाँ से पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद देखिएगा, एज स्टिच के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, और देखिएगा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये वाला फंदा बगैर बुना उतारेंगे। यही दो फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करेंगे। देखिएगा, एक फंदा बनाएंगे,
एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और धागे को हमें आगे ही रखना है। फंदे को बगैर बुना उतारते हुए एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। तो इस तरह से देखिएगा, लास्ट में देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से हमने फंदे को बुन लिया, लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा हमारा ये पैटर्न दो दो इस तरह से करते हुए बनेगा। ये देखिएगा, अब उल्टी सिलाई को देखिएगा ध्यान से। अब हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये दो दो ही सिलाइयाँ बनानी है हमें सेकंड कलर के साथ, ये वाली सिलाइयाँ हमारी चार बनेंगी। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर एज स्टिच का उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यही दो फंदे का डिज़ाइन रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 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 एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब लास्ट में दो फंदे हैं, देखिएगा एक फंदा हमारे डिजाइन का उल्टा और एक फंदा और उल्टा है जिस स्टिच का बनाए हैं। इनके स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे उल्टे आ गए थे, लास्ट में भी बीच में यहाँ पर देखिएगा सेंटर में एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब देखिएगा, अब हम यहाँ से पूरी सिलाई देखिएगा सीधी बनाएंगे। तो यहाँ हमारी देखिएगा डिजाइन की लास्ट रो है, यानी कि छह सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमारी छह रो कंप्लीट हो गई हैं, इस तरह हमारा पैटर्न बन गया। फिर से यहाँ से फर्स्ट रो से जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, इसी तरह से बनाएंगे। देखिएगा धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी आपको इसी तरह से बनानी है। पूरी सिलाई हम यहाँ पर सीधी सीधी बनाएंगे, तो पूरी सिलाई यहाँ से सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से भी देखिएगा पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से कलर को चेंज करेंगे और पिंक कलर लगाते हुए पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, एक फंदा एज स्टिच का बनाएंगे सीधा, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। इस तरह से हमें पूरी सिलाई में पैटर्न को बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक फंदा उल्टा आएगा और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा। अब कलर को चेंज करते हुए देखिएगा, दो फंदे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में उल्टे बनाएंगे और ये जो हमने फंदा देखिएगा बगैर बुना उतारा था, इस फंदे को हमें सीधा बनाना है। देखिएगा अब फिर से ऐसे ही एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा पूरी सिलाई हम सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए जब हम इस पैटर्न को इसी तरह से बनाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देखिएगा बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है। इसको आप बनाएं और अपना फीडबैक भी दिया करें, और अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुनाई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।